तुमने आज मेरी तबीयत खुश कर दिया। महाराज, जिंदगी में पहली बार आज ये बालक चुराया है। वो भी जो नौकर था बहुत ही हरामी और बहुत जिद्दी था। लेकिन फिर हमारी चालाकी तुम जानते हो साइकिल कौन दिन चुराई थी। जी, इसको जमीन पर लेटा दो, डबल बेड पर लेटा दे महाराज। अब तो जमीन पर लेटाओ, बड़े घर में आया है। जितना कहता हूं उतना करो। वाकई में तुम बहुत बहादुर इंसान हो। अब तुम्हें करना क्या है? क्या करना महाराज? ये लो मेरी तलवार, संभालो इसे। अब इसकी देखभाल हम करेंगे। देखभाल नहीं, फिर एक ही बार में इसका सर धड़ से अलग कर दो। ये नहीं हो पाएगा महाराज। नहीं हो सकता? ये भैया कर सकते, ब्याह नहीं बोए भाई, लड़का बच्चा दर्द नहीं जाना। चलो पीछे हटो। महाराज क्या काम? शाबाश, वाकई में तू बहुत बहादुर है। तलवार उठाओ। किसको? इस बच्चे का सर धड़ से अलग कर दो। जिसको हमने तलवार उठाया है किसको मारना? इसको नहीं हो सकता, ये मैं जानता था। है, मैं जानता था कि ये काम मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। उठाओ इसे। मुझे दे दो, ये काम मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता है। ये भोला किसान का लड़का हमारी राज का मालिक बनना चाहता है। हेलो, जोशी नहीं बताया था, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बच्चे को ले जाकर हम ऊंचे पहाड़ों से फेंक देंगे, इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मर जाएगा ये, खत्म हो जाएगा। मंत्री महाराज, आज मेरा दुश्मन मेरे हाथों से मारा गया। खुशियां मनाई जाए। अरे मोरा आज मेरा दुश्मन मारा गया महाराज, और तू रो रहा है। वो बच्चे को फेंक दिया नीचे के पहाड़ी पहाड़ी से ऊपर है। वो मर गया बच्चा लिया गा रे हा। ये पहाड़ पर से फेंक दिन रे दिए हड्डी नाही। हंसो, मैं हंसने के लिए कहता हूं, हंसो। ये क्या है? हंसे तो हंसना नहीं आता। देखो जैसे बंदर, हंसो कैसे? इधर आओ, इधर है। ये क्या है? हनुमानगढ़ी का बंदर है पूरा। हे 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 हे।
हंसो, खुशियां मनाओ तुम सब। कौन में हंसे? द्वारपाल, तुम लोग खुशियां मनाओ, आज मेरा दुश्मन मेरे हाथों से मारा गया। महामंत्री जी, क्या बात है? जिस हिसाब से उस बच्चे को महाराज ने फेंका है पहाड़ के ऊपर से, चकनाचूर हो गया होगा, और उसका पाप किसके ऊपर? आपके ऊपर। चोरी करके हम लोग लाए थे ना? हाँ मंत्री मानसिंह, और जो बाकी बच्चा हम पैबे। अरे चलो ठीक है, हम तो मजो ले ली, लेकिन तुम्हें हाथे का ला कटहर। चलो चलते आइए इधर। मंत्री मान सिंह को बहुत बुरा लगा, दिल पर ठोस आई, लेकिन करते क्या। आइए आप लोग आगे का कहानी। अफसोस मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों ने देखा कि हमारे महाराजा जसवंत सिंह ने क्या किया। एक मासूम बच्चे को उठवा मंगाया और उसे ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। क्या वो जिंदा बचा होगा? नहीं दोस्तों, वो मर गया होगा। पर मेरे भाइयों, किस्मत की लकीरों को, किस्मत की लकीरों को मिटा सकता है तो सिर्फ ऊपर वाला, और बना सकता है तो सिर्फ ऊपर वाला। कोई इंसान नहीं बना सकता है, अगर इंसान बना सकता है तो ये मंत्री मान सिंह भी बना सकता है। हमारे दिल में इस बात की वर्षों से तमन्ना चली आ रही है कि इस राजपाट का मालिक मैं बनूं, लेकिन ऐसा मौका अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया है। महाराजा जसवंत सिंह, अब मुझे देखना है कि इस ताज और तख्त का मालिक कौन बनता है। मैं चलो यहां से महारानी रेशमा के पास और कोई ऐसा जाल बिछाऊं कि राजपाट मेरी मुट्ठी में आ जाए। आइए दोस्तों, जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल लबाका कर सके जहां जग बैरी होए। महाराज जिस बच्चे को फेंक देते हैं पहाड़ के ऊपर से, वो जा गिरता है समई किसान के खरिहान पर, और समई किसान उस बच्चे को पा जाते हैं दोस्तों। और आइए कितनी खुशियाली मनाते हैं, आप लोग के सामने आते हैं समई किसान। क्या हो रहा है काका? पाए लागो, खुश रहो काका। क्या बात है? देखो जिस बच्चे को आपने पाया है, हाँ भगवान करे इसकी उम्र तुम्हारी लग जाए। क्यों नहीं? और जब बड़ा होगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। इसमें कुछ कहने की बात है? आओ आओ, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा होगा तो इसका नाम आपन दूध पियाओ तुम। क्या आपन दूध? पागल है क्या? हाँ। अरे से मोल लेकर दूध पिलाएंगे तो तुम्हारे तो भवा दूध हुआ। और क्या, जब मोलवा लिया तो तुम्हारे तो आए, तो इसमें कहने की क्या बात है? का हराम का दूध न पियाओ, आए इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हाँ। जब बड़ा हो जाएगा तो इसका नाम क्या रखेंगे? क्या रखोगी? सूरज। ओ तुम्हारा नाम क्या है? मूरत। हाँ। अपने बेटे का नाम रखेंगे सूरज। हाँ, और जो सरका जब पियो तो के नाम रखबे मूरत। तुम्हारा भूभुन। भूभुन आओ, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप
कहूं या तारा मेरा नाम करे पाल। आज मेरे घर में एक नहीं बल्कि दो दो बेटियां हैं। पहली महारानी की बेटी चंदा और दूसरी महारानी की बेटी निर्मला, दोनों बेटियां मेरी सयानी हो चुकी हैं। स्कूल से देखो या नहीं बुलाओ ले। क्या बात है पिताजी, आखिर क्यों बुलाया? बेटी चंदा, क्या शायद तुम्हें याद नहीं, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मेरा? हर साल की भांति जैसे हर वर्ष तुम अपने जन्मदिन पर माता रानी के दरबार में जाती हो पूजा करने के लिए, तो ठीक उसी बात इस वर्ष तुम्हें माता जी के मंदिर को जाना है। बहुत अच्छी बात है, पूजा करके। लेकिन मैं अकेले? घबराओ नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ तुम्हारी छोटी बहन निर्मला भी जाएगी। पिताजी मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हें तो मालूम है मेरा इम्तिहान चल रहा है, आज मेरे पेपर है, अगर से मेहनत मैं नहीं करूंगी तो माता जी नहीं पास कर देंगी। बेटी निर्मला, कैसे बात करते हो तुम? बेटी निर्मला साहब तुम नहीं जानती, क्या माता जी के दरबार को जाओ अगर उनकी इच्छा हो गई ना तो अच्छे नंबरों से पास हो जाओगी। अगर से मैं मेहनत नहीं करूंगी तो माता जी नहीं पास कर देंगी, मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ो पिताजी, अगर से कंजूस मनुष्य से कोई धर्म कराना चाहे ये सवाल ही नहीं। घबराओ नहीं, जानते हो? ये जानते ही ये बात। हमारे गांव में एक सेठ रहे, कोई कबो दान करबे नहीं भी अपने हाथे से, और उनके लड़का बच्चा भजबे नहीं भी। तिफाक से उनका भतीजा रहत रहा उनके घर में, जो उन कुछ कमाइन रहा है बेचारे एक एक कौड़ी बटोर के रखिन ना है, ना गया गए ना भदरसा गए, वही बेचारे दान पुण्य करबे नहीं भी। और आखिर में जब मरे हैं वही तो उनके लड़का जो उन भतीजवा रहा है हड्डी गुड्डी और राखी बटोर के नहीं ले जाते गंगा जी, तो हड्डी उड्डी लेके गए गंगा जी के वही पुल्हा पर से छोड़ी इन गठरी, ये छो हमें इनके बेईमान रहा नहात रहा, तो वो सोचिस कि सेठ के लड़का ये लावा हुई तो अच्छी रकम लेके आवा है दान करे, वो झपटा और झपट के बगठरेवा अपने बगल दबा ली और लेके चला आवा अपने यहाँ गांव किनारे खोली तो मर रागी हड्डी, फिर उसका घूरे में फेंक दी, कोई घूरन में परे रह गए बेटा, गंगा जी को नहीं जा पाए। नहीं जा पाए जब अपने हाथे दान पुण्य किन हुए तब तो सही कह रहा है। तो हमारा मतलब है कि छोड़ो उनका, छोड़ो तुम बिटिया मेहनत करो, माता जी के चरणों में जाओ, पूजा करो, व्रत रहो। लेकिन मैं अकेले, हमारे साथ कौन जाएगा पिताजी? घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ हमारा ही आदमी जाएगा, फौज के सिपाही जाएंगे तुम्हारे साथ। ये बहुत ही बदतमीजी के साथ नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? क्यों बदतमीजी करता है? सरकार माफ कियो, जात रहे स्कूल बहनी के साथ है। तो पुल के ऊपर चाटो बदमाश दारू पियत रहे, तो हम कहा बहनी अब चल पे उधर, तो अब इसाले कुछ कही सुन दे है तो इज्जत मट्टी हो गई, तो मुन्ने वास कहा कि चलो पुल के नीचे चलो, 2 मिनट लागी बस चला जाए। क्या
मुन्नी कहा कि 2 मिनट पुल के नीचे चलो, बस 2 मिनट लागी बस चला जाई। क्या उन्हें बदमाश हुआ? बस 2 मिनट लाग बस चला गया, भाग गए सर, भाग के। मैं मुन्नी कहा चलो अब बताओ माँ कौन बदतमीजी आए। सही कह रहा है बेटी चंदा, बात तो ऐसे ही सही कहता है लेकिन कहने का इसका ढंग कुछ अलग है। भाई यही बोली से तुम बोलते हो और इनका खून ही खौलता तुम्हारे ऊपर। हाथ मिला लो बेटी चंदा, जाओ बहुत जल्द पूजा करके तुम्हें वापस आना है। बहुत अच्छी बात है। ए हाथ मिलाने में क्या हर्ज है? कहाँ है हाथ में सिगरेट? देखो ए! चलो पहले तुम लोग स्नान करो दीदी। अरे मंदिर चलना भैया, जाड़े भर नहीं नहाई थे हमारा पानी जेठ लागत है। पानी तुम्हारा कौन लगता है? जेठ लागत है तो हमका कपड़ा दे। पानी तुम्हारा जेठ लगता और इनका क्या लगता है? इनके भाइयो लागत, अब इसे इन्होंने ही नहा सकत। तुम्हारा पानी जेठ लागत है भैया। चलो आ चलते आज मत हो सुवा जागे रे, आज मत हो भुला जाए रे। मेरा मन मेरा मन मेरा मन आज मत हो भुला जाए। देखिए दोस्तों, आप लोग समझदार हैं, जानते हैं कि आज धीरे धीरे 18 साल का लड़का हो जाता है सूरज और नौजवान हो जाता है। अगर आपको विश्वास न हो किसी को अपना लड़का बढ़ाना है तो हमको एक रात में दे दीजिए, हम रात भर में बढ़ा देंगे। क्योंकि अगर 18 साल हम यहीं पर प्रोग्राम करते रहेंगे तो हम 18 साल का लड़का पैदा कर पाएंगे। तो आइए समय किसान अपने बच्चे को बुलाते हैं सूरज को। काका देखो सूरज भैया आने का वक्त हो गया है, स्कूल से आए हैं और बुलाया जाए। ठीक है मेरे बेटा सूरज को आवाज लगाओ। भैया सूरज सूरज
दादा। ये बदलाव क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेला है दुर्गे माँ का, चलोगे या नहीं? इसीलिए बुलाया है क्यों? लो सब लोग जा रहे हैं और तुम जो ना है खंतिन गोड़ा कर रहे थे। धीरे धीरे साथ में बल्ब भाई। हाँ? हम ट्यूशन कर रहे थे ना। ओ ट्यूशन जी। अच्छा अंकगणित, अंकगणित पढ़े हो? जी हाँ। और रेखा गणित? वो तो हमने नहीं पढ़ी। और बीज गणित में गए होंगे? नहीं। बीज गणित? हाँ भाई जी, बीज गणित में। ये कौन सी गणित है आपकी? बीज गणित में जाइए तुम्हारा पर्चे फंस जाइए। ठीक है तुम्हारे साथ पढ़ेंगे हम। हाँ ठीक है ना। और हाँ देखो इम्तिहान चल रहा है, पास करेंगी माता जी, दुर्गे माँ का मेला चल रहा है, आओ दादाजी से कह करके हम लोग मेला चलेंगे। सच कह रहे हो भाई। हाँ? आज हम माँ के दर्शन के लिए जाएंगे जी, क्योंकि जो भी इंसान माँ के दर्शन करता है ना वो इंसान उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मुझे बासी न पई है। तू भी चलेगा क्या? इका नहीं तो सिर्री है, दिमाग का कीड़ा खे। कीड़ा क्या? हाँ ये दफा गोली लाग के रहा है। तब से इसकी यह हालत हो गई? यादाश चली गई रहा। इका दरिया बाद स्टेशन पर दिखाऊ। क्या तुम दोनों सिर्री हो? मेला चलने के लिए पैसे चाहिए ना? पप्पू सिर्री है। पैसे चाहिए मेला जाने के लिए। पैसा दीजिए हम लोग मेला जाएंगे। कितने रुपए लोगे? इधर आओ। जो 40-50 हजार। कितने? 40-50। इतना क्या पैसा करोगे? कहे कोनो घोड़े पसंद आ जाए घोड़ी न ले ली। इतना पैसा हमारे पास नहीं है। नहीं है? आहा तुमको पैसा नहीं मिलेगा। तो भैया तुम पैसा जो लिए खो ले लो। नहीं हम तो 3 बढ़िया सरसों चुरा के बेचे हैं। तो तुम तो चोर होबे करो। कौन है साला कहा था? चलो पैसे ले लेते हैं ठीक है ना। हम ये दोनों जनों को पैसा देते हैं मेरा कर देते हैं। और क्या आओ आइए। आज माँ का मेला है, माँ के दरबार हम लोग चलेंगे ना। हाँ देखो और वहीं पर देखिए पंडित जी बैठे हैं जी। ये मेला माँ की दिलों का है ना जी। हाँ हो मेला दिलों का आता है आके चला जाता है मेला दिलों का। आती है बहारे जाती है बहारे जाना है तो फिर तू आती है
से यही कामना करूंगा, यही मांगूंगा कि सूरज अच्छे नंबरों से पास हो जाए। इसलिए माँ की कामना करने के लिए ये सूरज आज ये पुष्प चढ़ाएगा। अकेला हूं मैं, लेकिन नहीं, मेरे साथ ये सारी बहारें हैं। अकेला गया था मैं, हाँ मैं नया के मेरे संग संग आया तेरी।